हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी क्लास में बात करेंगे पुष्पक्रम के प्रकार। पुष्पक्रम के प्रकार की बात करेंगे। जिसमें पिछली बायोलॉजी क्लास में हम बात कर चुके थे असीमाक्षी पुष्पक्रम, ससीमाक्षी पुष्पक्रम के बारे में अध्ययन कर चुके थे, तो आज नंबर 3 चलेगा विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम। विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम नंबर 1 बात करेंगे हाइपेनथोडियम। हाइपेनथोडियम इस प्रकार की पुष्पक्रम में पुष्पासन एक घड़ेनुमा संरचना बनाता है। इसमें पुष्पासन होता है, एक घड़ेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसके शीर्ष भाग में एक छिद्र होता है। शीर्ष भाग में छिद्र होता है और उसी छिद्र के पास में नर पुष्प लगे होते हैं। ये नर पुष्प होते हैं, ये छिद्र हैं और इसमें ये नर पुष्प लगे हुए हैं तथा आधार भाग में मादा पुष्प लगे होते हैं। और ये पीपल, बरगद, इसमें पुष्पक्रम का जो प्रकार होता है हाइपेनथोडियम प्रकार का होता है। इसी के साथ नंबर 2 है साइथियम प्रकार हुआ। विशिष्ट प्रकार में साइथियम, इसमें इस पुष्पक्रम के अंदर सहपत्र होते हैं जो संयुक्त होकर एक प्याले नुमा संरचना बनाते हैं और जिसके अंदर क्या पाई जाती है, मकरंद ग्रंथियां पाई जाती हैं और सहपत्रों के केंद्र में शैवरंथ मादा पुष्प होते हैं तथा बहुत संख्या में नर पुष्प पाए जाते हैं और ये पाया जाता है यूफोर्बिया में। ये यूफोर्बिया में पाया जाता है। इसके बाद में नंबर 3 है कूट चक्र पुष्पक्रम होता है। यह है युग्म साकित, एकल साकी ससीमाक्षी पुष्पक्रम का प्रकार होता है, जिसमें एक परसुंधि के ऊपर 6 पुष्प होते हैं प्रत्येक और इनकी संख्या क्या होती है, 3-3 होती है। ये युग्म साकित होते हैं और एक परसंधि के ऊपर इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है। अर्थात ये किस में होता है, तुलसी में। ये तुलसी में पाया जाता है। तो हाइपेनथोडियम, साइथियम, कूट चक्र ये एक प्रकार से विशिष्ट प्रकार के क्या होते हैं, पुष्पक्रम होते हैं। तो ये अपना एक टॉपिक था पुष्पक्रम वाला। अब आगे नया टॉपिक चलेगा पुष्प। पुष्प क्या है बात ही करेंगे। अब हम बात करेंगे पुष्प की, बात करेंगे पुष्प क्या है। पुष्प एक रूपांतरित प्रारोह है। जो लैंगिक जनन के लिए अनुकूलित होता है, यानी पुष्प एक फ्लावर होता है जो एक रूपांतरित प्रारूप होता है जो लैंगिक जनन के लिए अनुकूलित होता है। और एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना में निम्न भाग होते हैं, जो डायग्राम के माध्यम से बात करेंगे कि पुष्प की प्रारूपिक संरचना किस प्रकार होती है। जैसे यह पुष्परंध, जिसे पेडिकल बोलेंगे,
पुष्परंध्र क्या है, पुष्प का ये डंठल नुमा भाग होता है या परंतु नुमा भाग होता है जो तनया शाखा से जुड़ता है, इससे बोलते हैं पुष्पवृंत। उसके बाद में ये ऊपर का भाग होता है पुष्पवृंत से ठीक ऊपर का भाग, जिसे कहा जाता है पुष्पासन। पुष्पासन या जिसे कहेंगे थैलेमस। पुष्पासन क्या है, पुष्पवृंत के ऊपर का फूला हुआ गुदेदार वह तनिका सम्मिलित रूप ये वाला है, ये पुष्पासन होता है। और इसी के ऊपर पुष्प के अन्य चक्र होते हैं, भाएं दल होंगे अर्धा कुमंग और जांग इसी के ऊपर टिके होते हैं, तो ये पुष्पासन है। उसके बाद में पुष्प का नेत्र चक्र आता है जिसे कहेंगे भाएं दल कैलिक्स, ये है कैलिक्स जिसे कहेंगे भाएं दल, ये पुष्प का कैलिक्स है। सबसे बाहरी व प्रथम चक्र होता है, ये हरे रंग के होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी क्या होते हैं सहायक होते हैं, और कलिका अवस्था में पुष्प के अन्य पुष्प पत्र होते हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य भी कौन करते हैं भाएं दल। इन्हीं को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, भाएं दलपुंज के नाम से जानते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होते हैं सहायक होते हैं। इसके बाद में दूसरा चक्र होगा वो होता है दल, ये दल है, ये दल है कोरोला, ये दल है अर्थात जय पुष्प का दूसरा चक्र होता है, ये रंगीन होते हैं, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये दल है और ये दल रंगीन होते हैं जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है। ये दूसरा चक्र कोरोला है, ये कैलिक्स ये हरे रंग के होते हैं और ये होते हैं रंगीन होते हैं अर्थात ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं जिससे परागण क्रिया संपन्न होती है। और इसके बाद में ये इसमें जायांग है, जो डायग्राम में बना देता हूं, ये पुष्प का मादा भाग है और इसी के साथ इसमें ये हैं बीजाणु लगे हैं अंडा पे हैं, और इसके अंदर ये है पुंकेसर। तो हम बात करते हैं दूसरे चक्र की, पुंकेसर ये पुंकेसर है अर्थात उमंग, जिसकी प्रत्येक इकाई क्या कहलाती है पुंकेसर कहलाती है। पुंकेसर की संरचना में तीन भाग होते हैं, पराकोष, पराकोष जिसे कहा जाता है एंथन, पराकोष ऊपर का भाग होता है, ये पराकोष है जिसमें पराकणों का क्या होता है निर्माण होता है, यानी ये एक लघु बीजाणु पर्ण है क्योंकि इसमें क्या बनते हैं लघु बीजाणु बनते हैं। और ये इसमें जोड़ने वाली एक संरचना है योजिक करप्टिव, और ये क्या है कुतंतु फिलामेंट, और ये तीनों को क्या कहा जाता है पुंकेसर स्टामेन, ये पुंकेसर है अर्थात ये पुष्प का नर जननांग है जिसे लघु बीजाणु पर्ण बोलते हैं अर्थात जिसमें परागकणों का क्या होगा निर्माण होगा। ये मादा भाग है अर्थात जिसमें ऊपर की ओर ये है वर्तिकार्ग स्टिग्मा बोलेंगे, ये स्टिग्मा है और ये है वर्तिका और ये है अंडाशय और ये तीन हैं, और इन तीनों को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है स्त्रीकेसर जायांग गायनेशियम स्त्रीकेसर बोलते हैं अर्थात जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं स्त्रीकेसर बोलते हैं। ये पुष्प का एक प्रकार से मादा भाग है, वर्तिका सबसे ऊपर का चौड़ा भाग होता है, ये परागकणों को ग्रहण करता है, ये व्रंत रूमा भाग होता है, ये वर्तिका है अर्थात ये नीचे का फूला भाग क्या कहलाता है अंडाशय अर्थात ये गुरु बीजाणु पर्ण है जिसमें गुरु बीजाणु का क्या होगा निर्माण होगा अर्थात ये पुष्प का कौन सा भाग होता है मादा भाग होता है। तो एक पुष्प की प्रारूपिक संरचना में मुख्य रूप से
चार चक्र होते हैं, भाएं दल, दल, उमंग, पुंकेसर और जायम, जिनमें ये भाएं दल होता है और दल होता है ये सहायक अंग होते हैं, जबकि उमंग और जायम ये लैंगिक जनन हेतु क्या होते हैं, आवश्यक अंग होते हैं। तो ये एक पुष्प की प्रारूपी संरचना है, इससे आगे अगली क्लास में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।